हमारे पास एक पेशेंट आई थी पुष्पांजलि, शी केम टू द आवर ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ एंटीरियर नेक स्वेलिंग सिंस लास्ट 25 इयर्स, जो शुरुआत में छोटा साइज का था लेकिन इनके ध्यान न देने की वजह से जैसे धीरे धीरे अगले 25 सालों में काफ़ी बड़ा हो गया था, और इतना बड़ा हो गया था कि जैसे बोलना चाहिए पूरे गर्दन को वो कवर कर लिया था सामने से। तो पेशेंट ने अलग अलग जगह दिखाया था, उसके बाद अल्टीमेटली वो लास्ट में रिम्स हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे हमारे यहाँ आए। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हम लोग जो कराते हैं, जैसे रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं एक ऑपरेशन के लिए, उसके अलावा हमने पूरा सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड कराया ने गले का। गले में अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चला कि उनकी ये थायराइड की स्वेलिंग है। सिंपल शब्दों में कहें तो उन्हें घेंगा रोग है जो पिछले कई सालों में बहुत बड़ा हो चुका है। और उसके अलावा फिर हमने उनका थायराइड हार्मोन का जो स्तर है उनके शरीर में उसकी जांच कराई, और उसके अलावा एक एफएनएसी जैसी जांच होती, एक जांच होती है एफएनएसी, जिसमें एक सुई से उनका एक छोटा सा टुकड़ा मांस का लिया जाता है और उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो एफएनएसी कराया हमने। ये तीन जांचों के अलावा हमने उनका सीटी स्कैन कराया, जिसमें हमको समझ में आया कि उनकी जो थायराइड ग्रंथि है वो कितनी बड़ी है और किन किन स्ट्रक्चर्स को वो कवर कर रही है, ताकि हमको ऑपरेशन के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे वो समझ में आए, हम ऑपरेशन के लिए उस हिसाब से तैयार हो पाएँ। मेरी दीदी की सर्जरी हो गई है और उसके गले से ट्यूमर निकाल दिए हैं, और अभी वो स्वस्थ है, और रिम्स हॉस्पिटल के वजह से आज दीदी पूरा स्वस्थ है, तो हमें बहुत खुश लग रहा है। डॉक्टर लोग कितने अच्छे से मतलब उसका सर्जरी किए है, और देखकर बहुत खुश लग रहा है, और ये सब हम बिजू कार्ड के माध्यम से मुफ्त में किए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इलाज कहीं भी करवाएं, हमारे चिकित्सकों से फोन पर किसी भी बीमारी का निःशुल्क परामर्श व होने वाले वास्तविक खर्च की जानकारी लेना ना भूलें।